विनोद चौधरी, आज एक्सरसाइज अपन 11.3 के लिए शुरू करते हैं। अब प्रश्नावली 11.3 का जो 11वां क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में पूछ सकता है। ये सेम क्वेश्चन इसी लैंग्वेज के अंदर ये प्रश्नावली 8 में भी है, तो उसमें अपने जो त्रिकोणमिति से करते हैं, तो ये क्वेश्चन दोनों की लैंग्वेज सेम है, वो त्रिकोणमिति में दिया हुआ और यहाँ समरूप वाले प्रश्नावली के अंदर दिया हुआ है। तो दोनों प्रश्नों को आप समरूप के तरीके से भी कर सकते हो और त्रिकोणमिति से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि एक जो 12 मीटर जो स्तंभ था जिसकी ऊंचाई उसकी भूमि पर छाया कितनी है, 8 मीटर है। तो ये स्तंभ और इसकी छाया ये 8 मीटर। अब ये कह रहा है कि 56 मीटर जिस मीनार की छाया बनती है, तो उस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई है वो h मान लिया है, तो ये मीनार के लिए डायग्राम और ये है स्तंभ के लिए डायग्राम। तो यहाँ पर ये जो दो त्रिभुज बन रहे हैं इनको आप समरूप कर दो, तो समरूप करने के बाद भी इनकी भुजाओं का अनुपात से अपने अपने पास 4 में से 3 का मान है, चौथा निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा, ए बी सी, वह त्रिभुज इसका नाम क्या होगा, डी ई एफ में। तो इन दोनों में बी और ई दोनों कोण कितने डिग्री के, बी के बराबर है कोण ई, ये तो है 90 डिग्री का है, तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। और सी बिंदु वाला कोण इधर और इस साइड एफ बिंदु वाला, क्योंकि इसने कहा है एक ही समय में, तो एक ही समय पर ये दोनों सूर्य के ओनियन कोण है, तो दोनों के जो इलिवेशन एंगल है वो इक्वल होते हैं एक ही समय पर। तो यहाँ पे कोण सी के बराबर है वो कोण एफ है, ये भी क्या है दिया हुआ है, तो दो कोण बराबर हो गए, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए हैं समरूप। तो त्रिभुज ए बी सी ये सिमिलर हो गया है त्रिभुज डी ई एफ के, कोण से रूल से, डबल ए रूल से हो गया है, तो समरूप है, तो इनकी त्रिभुजाएं वो अनुपात में होगी। तो सी पी एस टी से ए बी के बटा में, ए बी के बटा में डी ई आएगा और बी सी के बटा में ई एफ, और पहला तीसरा ले हो गया तो ए सी के बटा में डी एफ। अब यहाँ पर अपने को लेने कौन से तीन में से कौन से दो बराबर कर रहे हैं, कि ए बी बी सी आ रहा है तो ए बी और ए बी सी वाला ये, और डी ई का मान ज्ञात करना है, ई एफ का दिया हुआ है, यानी इन तीनों में से आपको पहला और दूसरा लेना है। तो ए बी के बटा में डी ई बराबर बी सी बटा में ई एफ, ए बी का मान कितना है 12 बटा में डी ई, डी का मान कितना है एच, बी सी, बी सी का मान है 8 बटा में ई एफ का मान है 56। अब चाहो तो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, 8 को 56 से 8 के टेबल से ये 7 बार कैंसिल हो गया। अब अपने पास जो बचा है वो एच का गुणा इधर 1 से होगा तो एच हो गया, और ये 12 का गुणा किससे होगा 7 से, तो 12 7 कितना हो गया 84 मीटर। तो ये 84 किसकी ऊंचाई है, मीनार की, तो अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई का मान कितना आ गया है 84 मीटर। इसको आप त्रिकोणमिति से भी कर सकते थे, त्रिकोणमिति से दोनों में टेन थीटा लगता, क्योंकि ये दोनों टेन थीटा लगाते हैं, तो इसमें लंब बटा आधार और इसमें लंब बटा आधार दोनों ही बराबर होता है, क्योंकि उसने एक इसमें पे बोला था, तो ये दोनों कोण क्या होते हैं थीटा होते, ये दोनों एक जैसे कोण होते, एक इसमें पे बनने वाले ओनियन कोण बराबर होते हैं, तो दोनों त्रिभुजों से आप टेन थीटा का मान निकालते, तो ये 12/8 होता और ये 56 होता, तो दोनों का बराबर करते तो उससे भी आप एच का मान निकाल सकते थे। तो ये दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते।